नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तेलंगाना समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की चुनाव में धन बल और शराब के इस्तेमाल के बगैर चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि उनमें मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी या शराब का उपयोग किए बिना चुनाव का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। मंगलवार तेलंगाना शहीद स्मारक पर नाटकीय दृश्य देखने को मिला, जब राज्य कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी को हिरासत में ले लिया गया। इसकी वजह थी कि रेड्डी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को स्मारक पर जाकर उनके साथ यह शपथ लेने की चुनौती दी थी कि चुनाव में उनकी पार्टी कैश या शराब का उपयोग नहीं करेगी। रेड्डी ने सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख KCR को चुनौती दी, क्योंकि इसके नेताओं ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस मतदाताओं के बीच नकदी, शराब और अन्य उपहार बांट रही है।